हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस स्पून फीड सीरीज़ बाय श्रीराम सायस। मेरा नाम प्रज्ञा है और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टाइटन की है अपनी न्यूज अराउंड द चाइल्ड पोर्नोग्राफी लॉ, और अब ये जो लॉ है वो और भी ज़्यादा हो गया। तो इसी के वेरियस पैमाने जो हैं हम लोग आज समझने वाले हैं। विल अंडरस्टैंड व्हाट वाज द केस, व्हाट इज द चाइल्ड पोर्नोग्राफी लॉ और क्या इसमें चेंजेस आए हैं। तो ये सब हम लोग आज अपने इस डिस्कशन में देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैं बताऊंगी कि श्रीराम सायस अब ऑनलाइन भी अवेलेबल है। बहुत सारे करंट अफेयर्स के सीरीज़ एंड इंडियन पॉलिटी की क्लास आप लोग के लिए चलती है, जो कि अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री सर चलती है, हु इज़ आर चीफ मेंटर। तो इससे पहले मैं ये डिस्कशन शुरू करूं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इंगेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर को, ताकि जिनको भी ज़रूरत है उन तक ये लेक्चर पहुँच सके। तो सबसे पहले आज के अपने इस डिस्कशन में विल सी द न्यूज़। विल सी कौन सा लॉ है जो क्वेश्चन में था बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर केस देखेंगे कि क्या केस था सुप्रीम कोर्ट के बिफोर, फिर देखेंगे क्या जजमेंट आया, कैसे होंगे अब इन न्यू केसेस के रजिस्ट्रेशन, एंड लास्टली विल सी अ प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने आपसे प्रीवियस सेशन में पूछा था, और आज का अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग मुझे देते हैं कमेंट सेक्शन में। तो देखिए, न्यूज़ यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइटन की है, स्ट्रेंथेंथ की है द चाइल्ड पोर्नोग्राफी लॉ। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होता है? वेर यू सी छोटे छोटे बच्चे इंगेजिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़, ठीक है, तो डैट इज़ नोन एज चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड इट इज़ प्रोहिबिटेड इन इंडिया। इन इंडिया वी हैव अ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन डैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट। Sexual Offences Act, जिसको हम लोग प्यार से पॉक्सो एक्ट कहते हैं, 2012 का लेजिस्लेशन है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू टॉक अबाउट चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन को एग्जिबिट करना ऐसे, उनका पॉर्न वीडियो बनाना, उनके खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंस कमिट करना, सारी चीज़ों पे ये लॉ जो है वो डिस्कस होता है, ये लॉ जो है वो प्रोहिबिट करता है एंड पनिश करता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया। एंड इसी लेजिस्लेशन में सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है ऑन चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है बेसिकली। सो द बेंच हैज़ एक्सपेंडेड द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 15 ऑफ द पॉक्सो एक्ट विच डील्स विद द पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। तो ओरिजिनली अगर मैं बात करूँ सेक्शन 15 की, तो ये सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड था कमर्शियल पर्पसेस के लिए, बट आफ्टर दिस जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इवन व्यूइंग, डाउनलोडिंग एंड नॉट रिपोर्टिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी टू स्पेसिफिक अथॉरिटीज इज एन ऑफेंस। तो इतनी ज़्यादा वाइड डेफिनेशन दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने अंडर सेक्शन 15 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। इन 2019 द पॉक्सो एक्ट वॉज अमेंडेड टू इंट्रोड्यूस थ्री कनेक्टेड ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 15 क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 विथ इंक्रीजिंग ग्रेड्स ऑफ पनिशमेंट। तो काफ़ी सारे न्यू ऑफेंसेज क्रिएट हुए थे, ठीक है, बाय द 2019 अमेंडमेंट। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए कोर्ट कहती है सेक्शन 15 वॉज नॉट लिमिटेड टू पनिशिंग द शेयरिंग और ट्रांसमिटिंग द चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल एंड कुड इवन बी यूज टू पनिश द इंटेंट टू सच कमिट सच एन एक्ट। फॉर एग्जाम्पल ए है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यही एग्जाम्पल दिया है। ए है वो क्या करता है, ही इज़ अ हैबिचुअल व्यूअर ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। वो उसको डाउनलोड नहीं करता है अपने मोबाइल फ़ोन में, स्टोर नहीं करता है, बट देखता है इंटरनेट पे काफ़ी फ्रीक्वेंटली वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखता है एंड वो उसको स्पेसिफिक अथॉरिटीज़ को ये नहीं करता है, रिपोर्ट नहीं करता है। सो इवन इन दिस सर्कमस्टेंसेस ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा कि ए के पास क्या था, कंस्ट्रक्टिव पोजिशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी था एंड इफ ही इज़ नॉट रिपोर्टिंग ही इज़ इक्वली लाइबल, बिकॉज उसको पता है कि वो ऑफेंस जो है वो कमिट कर रहा है, उसकी इंटेंशन थी टू यूज दैट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है। द लॉ इन दीज केसेज द कोर्ट हेल्ड पनिशेज ओवर्ट स्टेप्स टेकन टूवर्ड्स कमिटिंग अ क्राइम एंड नॉट द मियर थॉट ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस।
तो अब ये क्या कर रहा है, चाइल्ड की पोर्नोग्राफी देखना एक क्राइम है। ये जो है बेसिकली अगर उसको इंटरनेट पे देख रहा है, अपने मोबाइल में डाउनलोड करके भी देख रहा है, ठीक है, या कैसे भी करके देख रहा है, बट ही इज़ नॉट यूजिंग दैट फॉर कमर्शियल पर्पसेस। वो किसी को देख मतलब फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, स्टिल ये विल बी लायबल एज पर द न्यू डेफिनेशन गिवन बाई द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया कैसे? सो ऑन जनवरी 11 द मद्रास हाई कोर्ट क्वैश द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट अ मैन चार्ज्ड विद डाउनलोडिंग एंड पोजेसिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऑन हिज मोबाइल फोन। सेक्शन 14 इन्वॉल्व था यहाँ पहले, बाद में सब्सिक्वेंटली सेक्शन 15 को जो है वो इन्वोक किया गया था। अब मद्रास हाई कोर्ट यहाँ पे कहती है, सेक्शन 14 को कंसिडर करते हुए, दैट मियर पोजेशन child pornography would not violate the provision since he has not used a child or children for pornographic purposes and neither he is using it for commercial purposes. तो मद्रास हाई कोर्ट क्लियर थी, भाई देखो अपने फोन में डाउनलोड कर रहा है, व्यू कर रहा है, देख रहा है, ही इज नॉट यूजिंग द चाइल्ड फॉर एनी सच काइंड ऑफ पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, ना तो वो उसको शेयर कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के कारण उसको एक्विटल मिल गया मद्रास हाई कोर्ट से। द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट ऑफेंसेज अंडर द पॉक्सो एक्ट कुड ओनली बी मेड आउट इफ द अक्यूज्ड हैड ट्रांसमिटेड और पब्लिश द मटेरियल एंड देयर वॉज नो एविडेंस टू सजेस्ट दैट दिस टुक प्लेस। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि सिर्फ और सिर्फ वो देख रहा था, तो देखने पे मद्रास हाईकोर्ट ने कोई पनिशमेंट नहीं दी, उन्होंने यही कहा कि ठीक है। सबसे पहली बात तो सेक्शन 15 को कंसिडर ही नहीं किया, सेक्शन 14 पे ही जजमेंट दे दिया था और उसको एक्विटल दे दी। उन्होंने कहा कि नहीं, इंगेज नहीं कर रहा है, ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ देख ही तो रहा है, इसमें क्या बुराई है। बट सुप्रीम कोर्ट डिफर कर जाती है यहाँ पे। द सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड द डेफिनेशन ऑफ पोजेशन इन चाइल्ड पोर्नोग्राफी केसेस टू इंक्लूड केसेस वेयर द इंडिविजुअल मे नॉट हैव फिजिकल पोजेशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल बट दे हैव द पावर टू कंट्रोल द मटेरियल इन क्वेश्चन एंड द नॉलेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ सच कंट्रोल। सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल, वही वाला ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। कहीं ना कहीं ए को पता है जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट वो अपने मोबाइल पे देख रहा है, डाउनलोड कर रहा है, भले उसको ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, भले उसको स्टोर नहीं कर रहा है, डिलीट कर दे रहा है देख के, बट जितनी भी देर वो देख रहा है उसके पास उस मटेरियल का कंट्रोल है, कहीं ना कहीं उसके पास एक कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यही कहती है कि इवन दिस विल बी पनिशेबल, ना आप डाउनलोड कर सकते हो, ना देख सकते हो, ठीक है, और ना ही उसको स्टोर कर सकते हो। सो इफ़ यू आर डूइंग दैट, इंटेंशन आपका मेंस रिया जो है वो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा एंड यू विल बी हेल्ड लायबल। द कोर्ट टर्म दिस एज कंस्ट्रक्टिव पोजेशन एज आई सेड एंड हेल्ड दैट व्यूइंग डिस्ट्रीब्यूटिंग और डिस्प्लेइंग सच मटेरियल वुड स्टिल अमाउंट टू इट बींग इन द अक्यूज्ड पोजेशन अंडर सेक्शन 15 एंड इसीलिए उसको हम लोग क्या करेंगे, पनिश करेंगे। द कोर्ट हेल्ड दैट इंटेंशन ऑफ एन अक्यूज्ड कैन बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द मैनर इन सच मटेरियल इज स्टोर्ड और पोजेस्ड एंड द सर्कमस्टेंसेज इन विच द सेम वॉज नॉट डिलीटेड, डिस्ट्रॉयड और रिपोर्टेड। फॉर एग्जाम्पल, ए क्या करता है, गलती से बी का दिया हुआ लिंक खोल लेता है। लिंक खोलने के बाद उसको पता चलता है शिट, ये तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। जल्दी जल्दी वो उस लिंक को डिलीट करता है और दोबारा कभी खोल के नहीं देखता है। तो क्या फ़र्ज यहाँ था ए का, वट वॉज ए ऑब्लिगेटेड टू डू, ए वॉज ऑब्लिगेटेड टू रिपोर्ट सच लिंक टू दी स्पेसिफाइड अथॉरिटी। नहीं रिपोर्ट करता है जब तक ए लायबल हो जाएगा, ठीक है। क्यों लायबल होगा, क्योंकि हम लोग यही मानेंगे कि कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में था ए एंड उसकी लायबिलिटी थी टू रिपोर्ट सच केसेस टू दी स्पेसिफिक अथॉरिटी। अगर आप नहीं रिपोर्ट करते हो तो पहले इंस्टेंस में आपको 5,000 फाइन लगेगा, दूसरे सबसिक्वेंट ऑफेंसेज में आपको 10,000 का फाइन लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई अगर तुम देख रहे हो, पोजेस कर रहे हो, तुम्हारा इंटेंशन था टू कमिट सच ऑफेंस, ठीक है, तुमने डिलीट नहीं किया, डिस्ट्रॉय नहीं किया या रिपोर्ट नहीं किया, तो तुम क्या करोगे, लायबल हो जाओगे।
फ्रॉम दीज एक्शंस एंड सर्कमस्टेंसेज द कोर्ट विल डिटरमाइन द मेंस रिया और इंटेंशन ऑफ द अक्यूज, जो कि एक ड्राइविंग फैक्टर होता है फॉर पनिशिंग समवन फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस। अब बात आती है कि ये केसेस जो हैं वो आखिर रजिस्टर कैसे होंगे। तो कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिए हैं पुलिस को कि जब भी आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, आप सेक्शन 15 का सिर्फ एक पार्ट नहीं देखोगे, आप उसके और भी सेक्शंस देखोगे जो 2019 में न्यूली ऐड हुए हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन 15 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। आप इन्वेस्टिगेट करोगे कि क्या उन सेक्शंस के अगेंस्ट तो कोई ऑफेंस कमिट नहीं हो रहा है, जो वो ऑफेंसेस न्यूली एडेड हुए हैं क्या उनके अंडर कोई ऑफेंस जो है वो कमिट नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे तब आप केस जो है वो रजिस्टर करोगे, सिर्फ इस बात पे नहीं छोड़ दोगे कि भाई वो तो अपने मोबाइल में देख रहा था। सो फ्रॉम नाउ ऑन बी कॉशियस दैट इवन डाउनलोडिंग, व्यूइंग एंड नॉट डिलीटिंग एंड नॉट रिपोर्टिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी मे लैंड यू इन जेल। विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ आर टुडेज डिस्कशन। हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेंथन किया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी लॉ को, कैसे अपनी नूज जो है वो टाइट की है अगेंस्ट द चाइल्ड पोर्नोग्राफी लॉ। अब हम लोग देखते हैं प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या था, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, बोथ द कंट्रीज आर मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज, बोथ आर मेंबर्स ऑफ क्वाड एंड बोथ द कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। यहाँ किन दो कंट्रीज की बात हो रही है, इंडिया जापान, इंडिया US, इंडिया साउथ अफ्रीका या इंडिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज का अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, पेयर नंबर वन इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड वन और मोर स्टेट्स। दूसरा है रिट जुरिस्डिक्शन, द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन अग्रीव्ड सिटीजन। तीसरा है आपका एप्लेट जुरिस्डिक्शन, द कोर्ट कैन हियर अपील्स इन द केसेज ऑफ सिविल केसेज ओनली। और चौथा है आपका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जहां प्रेसिडेंट सीक करते हैं एडवाइस फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इन पेयर्स में से आपको ये बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है, या सॉरी कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है। तो ये क्वेश्चन पीछे कट गया था, ये अच्छे से क्वेश्चन आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड वन और मोर स्टेट्स अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन अग्रीज सिटीजन अंडर रिट जुरिस्डिक्शन। फिर एप्लेट जुरिस्डिक्शन ओनली इन क्रिमिनल मैटर, या सुप्रीम कोर्ट कैन प्रोवाइड ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इम्पॉर्टेंस। इसमें से करेक्टली मैच्ड बताना है आपको ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री या ऑल फोर। तो ये आप मुझे आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग अपडेट्स, एंड जुड़े रहें मेरे साथ फॉर योर पॉलिटी फाउंडेशन क्लास एवरीडे एट 5 PM। और आज हम लोग उसमें लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू, जहां हम लोग देखेंगे कि इंडिया में बेसिकली लॉ बनता कैसे है। सो स्टे ट्यून्ड एट 5 PM। थैंक यू सो मच गाइस।